हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू जेई केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल बाय अन अकेडमी। कैसे हैं सब लोग? मैं हूं गौरव दीक्षित, आपका केमिस्ट्री एडुकेटर विद अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 13 इयर्स। और डियर स्टूडेंट्स, इन 13 इयर्स में मैंने इंडिया के टॉप नेशनल ब्रांड्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन टिल नाउ लिए हैं। तो यार, इस पर्टिकुलर चैनल पे हम लोग एक यूनिक कंसेप्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग जेई मेन्स 2023, और वो है 8 मार्क्स अश्योरेंस। यानी आपको 8 मार्क्स हम लोग पूरे पूरे गारंटी कराते हुए चल रहे होंगे एज पर द सीरीज। यानी इस सीरीज में आप ये कह सकते हो कि यार, एक पर्टिकुलर सेशन या एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को वॉच आउट करने के बाद एटलीस्ट हमारे इस पर्टिकुलर सेशन से 8 मार्क्स अश्योर्ड हो चुके हैं। तो आइए आज बढ़ते हैं 8 मार्क्स अश्योरेंस सीरीज में सबसे पहले सेशन में, दैट इज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद द बेसिक स्ट्रेंथ। यानी बेसिक स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट्स पे अगर मूव आउट करें तो आज हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और साथ में कैसे क्वेश्चंस पे अप्रोच करना है इन पे भी मूव ऑन करेंगे। यानी इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग अपने बेसिक स्ट्रेंथ में बेसिक्स को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, व्हाट्स सो स्पेशल रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रेंथ सीरीज। तो टॉपिक है डिस्कशन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, हियर वी गो। ये है बेसिक स्ट्रेंथ कंसेप्ट। तो सबसे पहले यहां पर शुरुआत ही यहीं से होती है, आखिर व्हाट आर बेसिस। कंसेप्ट ऑफ बेसिस, आखिर व्हाट एग्जैक्टली आर द बेसिस। तो हम लोग कहते हैं बेसिस आर दोस स्पीशीज विच हैव अ टेंडेंसी विच हैव अ टेंडेंसी ऑफ डोनेटिंग which have a tendency of donating electron density to H plus. H plus को electron density donate करने की tendency होनी चाहिए। आगे मूव करें, इसको हम लोग स्टेटमेंट वन कह सकते हैं। दिस इज आर स्टेटमेंट नंबर वन। सिमिलरली स्टेटमेंट वन के बाद यहां पे आया स्टेटमेंट टू। दो स्पीशीज विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एच प्लस। ओके, ऐसी स्पीशीज विच हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एच प्लस, उनको बोलोगे बेस। ये रहा बेस। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सर, ये इलेक्ट्रॉन रिच है और यहां पर ये H प्लस को अप्रोच कर रहा है, यानी H प्लस को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोऑर्डिनेट कर रहा है या डोनेट कर रहा है। दिस इज सेड टू बी अ बेस। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आया। जैसे NH3 अमोनिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, अमोनिया अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है? एच प्लस को कोऑर्डिनेट कर रहा है, और एच प्लस को कोऑर्डिनेट करके बना रहा है NH4+। इतने पार्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ गया। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द बेसिक स्ट्रेंथ, व्हाट एग्जैक्टली इज द बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ हो गया टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक्सेप्ट एच प्लस, दैट इज द पार्ट। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब सर, यहां बेसिक स्ट्रेंथ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप टारगेट करके चल रहे हैं।
ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब यार बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, यानी हाउ टू अप्रोच द बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच द बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन, यानी यहां पर आएगा गौरव सर थ्योरी। इस पर्टिकुलर थ्योरी में आपको ये पता चलेगा कि एक बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन को अप्रोच करना कैसे है। यस, गौरव सर थ्योरी, एक बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहला पार्ट स्टेप वन, मार्क कौन सी साइड, मेन साइड। मार्क द मेन साइड, सबसे पहला काम आपको मार्क करना होगा कौन सी साइड, मेन साइड। ठीक है, मार्क द मेन साइड, यरा मेन साइड। ओके सर, मेन साइड मार्क कर दिए। अब आगे बताइए, ये हो गया मेन साइड। मेन साइड वो होगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट, दैट इज सेड टू बी मेन साइट। ये रहा केस वन। ओके, केस टू, न्यूट्रल वर्सेस नेगेटिव साइड। ये रहा एनएच माइनस, अब बताओ मेन साइड कौन सी हो। सर मेन साइट वो होगी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली मेन साइट होती क्या है। मेन साइट वो होगी जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट। केस थ्री, डिफरेंट मेन साइट, अब बताइए क्या करेंगे। अगर मेन साइट ही डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट मेन साइट ही डिफरेंट हो जाए, अब बताओ कैसे करेंगे। ओके, अब बताओ मेन साइट कौन सी होगी। सर ये होगा जहां लोन पेयर कम होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी स्ट्रेट वे आप कह रहे हो जहां लोन पेयर ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम का मतलब ये हुआ कि मेन साइट वही साइट होगी जिसके पास आप कह सकते हो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, दैट साइट विल बी कंसिडर्ड टू बी मेन साइट। ओके नेक्स्ट, ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया सबको। आगे केस फोर, अगर एक लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड के बीच कंपैरिजन करते हैं तो क्या होगा। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड, ओके जरा ये देखें, लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। ओके ठीक है, लोन पेयर कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड, पाई कन्वर्ट इनटू लोन पेयर।
ये डी लोकलाइज्ड ये लोकलाइज्ड मेन साइट, इतना पार्ट सबको समझ में आया? तो होप सो यहां पे आपको मेन साइट क्या होता है प्रॉपर सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पार्ट पे आगे मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेके आते हैं और क्वेश्चंस के साथ हम लोग मूव ऑन करेंगे। ओके तो अप्रोच अप्रोच फॉर कंपेयरिंग बेसिक स्ट्रेंथ ओके आइए देखिए कैसे बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग अप्रोच करेंगे। स्टेप वन, मार्क द मेन साइट। मेन साइट सबको समझ में आ गया? यस सर। स्टेप टू, अगर मेन साइट डिफरेंट है अगर मेन साइट डिफरेंट है तो फॉलो प्राइमरी स्कैन, फॉलो कौन सा स्कैन? प्राइमरी स्कैन। इसमें क्या करना है? प्राइमरी स्कैन में कुछ खास चेक पॉइंट है। पहला चार्ज, दूसरा नंबर ऑफ लोन पेयर, तीसरा साइज, चौथा परसेंट एज करेक्टर। दैट्स इट, चार्ज लोन पेयर साइज और आ रहा होगा परसेंट एज करेक्टर। ठीक है, अब यहां पर चार्ज के साथ आप कैसे डीलअप करोगे, आइए इसको समझते हैं। चार्ज के साथ कैसे डीलअप करोगे? तो बेसिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। ओके लोन पेयर बेसिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी लोन पेयर अगर ज्यादा होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ वहां पर कम होगी। दिस इज द पार्ट, लोन पेयर ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम। ओके नेक्स्ट साइज, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन साइज, साइज ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारा कम होगा। और लास्ट बेसिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन परसेंट एस करेक्टर, यानी जहां परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ वहां पर कम होगा। ये पूरा कंसेप्ट है हाउ टू मैनेज द बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है चलिए आगे मूव करते हैं इस वाले पार्ट में। ये सब प्राइमरी स्कैन, अगर मेन साइट यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है। स्टेप थ्री, इफ मेन साइट इज सेम देन देन फॉलो सेकेंडरी स्कैन। अगर मेन साइट सेम है देन फॉलो कौन सा स्कैन? सेकेंडरी स्कैन।
क्या कहता है सेकेंडरी स्कैन? सेकेंडरी स्कैन एम आर आई, मेसो रेसो इंडक्टिव, मेसो रेसो इंडक्टिव, ये रहा अप्रोच। तो शुरू करते हैं, केस वाइज शुरू करें। सबसे पहले केस वन, सबसे पहला पार्ट, अगला CH3 CH2 NH माइनस। अब बताओ मेन साइट कौन सी है? मेन साइट यहां पर N, यहां पे N, ये नेगेटिव है, जो नेगेटिव है वहां बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ओके केस टू, ये रहा पार्ट, OH माइनस F माइनस। अब जरा बताओ किसकी बेसिक स्ट्रेंथ यहां पे ज्यादा होगी? बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जहां पर नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम। ओके ये रहा पार्ट, केस थ्री। ओके NH3 PH3 ASH3। अब बताओ लोन पेयर सब में सेम है, पूरा कंसेप्ट आंसर NH3 PH3 ASH3, दैट इज द केस। पूरा प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन सबको समझ में आ गया। यहां पे तो आपने पूरा कंसेप्ट चार्ज के साथ कोरिलेट कर दिया, केस वन चार्ज के साथ कोरिलेट किया, केस टू में नंबर ऑफ लोन पेयर है, केस थ्री में आ गया है फैक्टर कौन सा, साइज। ओके ओके नेक्स्ट। अब अगर यहां पर अगले पे चलते हैं, NH2 NH, ये रहा N। अब बताओ यहां पर मेन साइट कौन और बाकी सारी चीजें, फटाफट बताओ। मेन साइट सबको समझ में आ गया, ये वाला SP3 हाइब्रिडाइज्ड, SP2 और SP, स्ट्रेट वे आप ये कह सकते हो। बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू 1/% डेस करेक्टर, इतना पार्ट समझ में आ गया। अब बताओ परसेंट डेस, SP SP2 ओके इतना पार्ट समझ में आ गया।
केस फाइल, आगे बुक करें, इतने पार्ट में कोई डाउट है? SP SP2 SP3 ठीक है, आगे केस फाइल। अब एल्केलामीन वर्सेस एरोमेटिक अमीन, एल्केलामीन वर्सेस एरोमेटिक अमीन, ये रहा पार्ट CH3 CH2 NH2। चलो इतना पार्ट स्टार्ट। ये एल्केलामीन है, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? प्लस एन। एक बार इधर यार, ये क्या हुआ? यहां पर ऐसा क्या हुआ? यहां रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन हुआ है। इस रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन की वजह से, यानी इन दोनों में कहां पे बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा? पहले वाले केस में बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ओके नेक्स्ट केस 6। एसिड एमाइड वर्सेस एरोमेटिक अमीन, वर्सेस एल्केलामीन। RCUNH2 ओके, ये रहा पार्ट, ये रहा पार्ट एरोमेटिक अमीन, चलो अब बताओ सर यहां पे टाइप 2 माइनस इफेक्ट लग रहा होगा, जो प्लस चार्ज सप्लाई करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में भारी गिरावट, यहां रेजोनेंस होगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी डिक्रीज करेगी, यहां थोड़ी ज्यादा इंक्रीज करेगी। आंसर 1 2 3, ये रहा पार्ट। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? कैसे कर रहे हैं? केस 6, केस ऑफ एल्केलामीन, ओके केस ऑफ एल्केलामीन, जैसे अगर मान लीजिए मेथिलामीन के केसेस हैं, ये रहा पार्ट, ये रहा पार्ट, ये रहा पार्ट, ठीक है। अब बताओ क्या आंसर होगा? सर अगर गैशियस फेज में रिएक्शन कर रहे हैं, तो गैशियस फेज में जो भी बेसिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट है, वो सिर्फ ईडी पर डिपेंड करता है। ईडी समझ में आ गया? ईडी, ईडी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी जो भी कंसेप्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ही डिपेंड कर रहा होगा। तो
ये रहा 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक, अब यहां पर ऑर्डर क्या रहेगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां बेसिस स्ट्रेंथ सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करेगा अगर फेज गैसीय है। बट अगर एक्वस फेज हुआ या प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, अगर एक्वस फेज हुआ या कैसा सॉल्वेंट हुआ प्रोटिक, तो क्या करेंगे? तो ऑर्डर यहां हो जाएगा 2 1 3। यस, 2 1 3, यानी ऑर्डर बिकम्स पहले सबसे पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर आखिरी में 3 डिग्री। दैट इज द ऑर्डर 2 1 3। सिमिलरली अगर केस ऑफ एथिलमीन हुआ, एथिलमीन ये देखें, ये रहा पार्ट है। और आखिरी में आ रहा होगा C2H5 फुल थ्राइस एंड, यानी दिस इज द पार्ट। यानी आप यहां पे कहोगे पहले वाले केस में आ रहा होगा एथिलमीन, दूसरे वाले केस में आ रहा होगा डाई एथिलमीन, तीसरे में ट्राई एथिलमीन, यानी फर्स्ट वन इज अ 1 डिग्री अमीन, सेकेंड वन इज अ 2 डिग्री अमीन, वाइल थर्ड वन इज अ 3 डिग्री अमीन। तो अगर आपसे पूछा जाए गैशियस केस में आंसर क्या होगा, गैशियस केस में आंसर क्या होगा, तो गैशियस केस में आंसर बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो ऑर्डर बिकेम्स 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, 3 2 2 के बाद 1। दिस इज द आंसर। लेकिन अगर हम लोग एक्वस में जाते हैं, कौन सा फेज? एक्वस, आंसर इज 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, आंसर इज 2 3 1। ये रहा 2 3 1, आंसर इज 2 3 1। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिग्री, देन 3 डिग्री और उसके बाद आ रहा होगा 1 डिग्री। दैट इज द पार्ट एक्वस फेज में। अब ये आया एक्वस फेज में ऐसा क्यों? ये है आंसर। पहला फैक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। थर्ड, स्टेरिक हिंड्रेंस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तीसरा स्टेरिक हिंड्रेंस। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी ये जो एक्वस फेज आएगा वो इनकी वजह से आता है। चौथा एक फैक्टर और होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी दिस इज द पार्ट, दिस इज द पार्ट, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्टेरिक हिंड्रेंस और चौथा आ रहा होगा एंट्रोपी। 213 और अगला कोड आ रहा होगा 231। तो पूरे तरीके से सबको समझ में आया कैसे क्या करना है। अब लास्ट हम लोग केस चल रहे सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स को, केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स। यानी आपने अपने मतलब भर के जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत अच्छे से
समझ लिया होगा ये वाला सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ मूव करेंगे, जिसमें पूरा एसिडिक को रिवाइज करते हुए मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ आया NH2, और यहाँ NH2 के साथ हम लोग ये ले आए रिंग। ओके, ये आया NH2, ये आया अगला, ये आया NH2, NO2, क्लोरो, CH3, और लास्ट में आया सिंपल एनिलीन। दिस इज द पार्ट, सिंपल एनिलीन। तो मूव ऑन करें। ओके, NO2 का कौन सा इफेक्ट? -M, Cl -I, एल्केल ग्रुप का +H। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, यहाँ प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में भारी गिरावट। अब बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन? 1, 2, 3 एंड 4। तो दिस इज द अप्रोच फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ। होप सो आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो डू लाइक द वीडियो, शेयर करें और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट, लेट्स क्रैक इट। कल एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ हम लोग मूव ऑन कर रहे होंगे। टिल देन वेट, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।